हैं हम इस प्रोग्राम के जरिए आप सबको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक हस्ती की जिंदगी और उसकी जिंदगी से जुड़े हर पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं। आइए हम अपना यही सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हम जिस फिल्मी हस्ती की बात करने जा रहे हैं, उनको हिंदी सिनेमा का सबसे पहला स्टाइलिश एक्टर माना जाता है, जिनकी अदाएं और लटके झटके लोगों के बीच आज भी मशहूर है। उनके डायलॉग बोलने का खास अंदाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज के आज भी कम कदरदान नहीं है, जिन्हें देखकर लड़कियां मर मिटी थीं। लड़कियों की दीवानगी की वजह से जिसने काले कपड़े पहनना बंद कर दिया, कभी मोहब्बत करता, कभी चोरी करता, कभी बहरुपिया बनता और हर बार एक अलग रंग में पर्दे पर आकर लोगों को चौंकाने वाला ये मस्त मौला एक्टर, जिनकी फिल्मों ने हमेशा हमें सिनेमा के पर्दे पर आनंद की अनुभूति करवाई, आज हम याद कर रहे हैं एवरग्रीन देव आनंद को। जॉनी नाम है मेरा। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनकी पैदाइश 26 सितंबर 1926 को हुई थी, शक्करगढ़ तहसील पंजाब में। इनका घर का नाम था पीरू। इनके वालिद गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने माने एडवोकेट थे। देव साहब ने मैट्रिक तक की पढ़ाई डलहौजी के सेक्रेट हार्ट स्कूल से की थी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में पढ़े। आगे कॉलेज की पढ़ाई करते हुए इन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री भी हासिल की। बचपन में देव साहब शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से कहते कि मोतीलाल पृथ्वीराज और अशोक कुमार जैसा तो मैं दिखता हूँ, मैं भी तो हीरो बन सकता हूँ। ये तो बस ख्याल भर था। असल में ये पैशनेटली नेवी ऑफिसर बनना चाहते थे, पर ये नेवी एग्जाम में फेल हो गए। देव साहब को स्कूल से ही स्टैम्प्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। देव साहब अपनी माँ के बहुत करीब थे। जब माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो वो ही माँ का ख्याल रखते थे, उनके लिए दवाएं लाते थे। एक बार वो अपनी माँ की दवाइयाँ लेने के लिए अमृतसर गए हुए थे तो गोल्डन टेम्पल के पास एक बादाम शरबत वाले के यहाँ वो शरबत पीने लगे तो शरबत वाला उन्हें लगातार देखे जा रहा था। फिर उसी ने कहा, पुत्र तेरे माथे ते सूरज है, तुसी एक दिन बड़ा काम करोगे। और ये बात आगे चलकर सच साबित हुई। देव साहब की माँ बीमारी की वजह से चल बसी। गम के मारे देव साहब को कोई रास्ता नहीं दिखा और 1943 में देव साहब सपने और अरमान लेकर मुंबई चले आए, यानी उस वक्त का बॉम्बे। पर वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। वो अलग अलग नौकरियां करते हुए भटकते रहे। भटकते हुए उन्हें बॉम्बे में उनके कॉलेज का एक दोस्त मिला, जो कि देव साहब को लोअर परेल की एक चौल में ले आया। देव साहब यहाँ कई लोगों के साथ रहे। कई बार पैसे ना होने की वजह से भूखा भी रहना पड़ा तो कभी मजबूरी में इन्हें अपने कलेक्ट किए हुए स्टैम्प्स बेचने पड़े, पर देवानंद ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद इन्हें आर्मी में सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ने का काम मिला, वो भी 65 रुपए महीने पर। देव साहब को फिल्मों में पहला ब्रेक कब और कैसे मिला, ये जानने के लिए आप सुनते रहिए FM 107 पर पर्दे के पीछे फरहान के साथ। 107 प्रोग्राम पर्दे के पीछे फरहान के साथ। आखिर में देव साहब नौकरी करके उकता गए थे। उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर इप्टा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बॉम्बे में उस वक्त भी स्ट्रगलर्स के लिए चाय कॉफी की एक जगह हुआ करती थी। वहाँ किसी ने देव आनंद को बताया कि प्रभात स्टूडियो के मालिक बाबूराव पाई अपनी नई फिल्म के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, तुम जाकर मिलो। अगले ही दिन देव आनंद प्रभात स्टूडियो पहुंच गए, लेकिन गार्ड ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तभी बाबूराव पाई अपनी कार से अपने ऑफिस पहुंचे और देव आनंद को गौर से देखने लगे। कुछ सेकंड्स में ही उन्होंने देव साहब में आने वाले कलकत्ता स्टार देख लिया। अपने ऑफिस में अंदर जाकर उन्होंने गार्ड को बुलाया और पूछा, ये लड़का कौन है? तो गार्ड ने कहा, कोई लड़का है साहब जो आपसे मिलने को कह रहा है, पर मैंने उसे बाहर ही रोक दिया है। बाबूराव पाई ने देव साहब को अंदर बुलाया और कहा कि तुम कल आओ, मैं तुम्हें अपनी फिल्म के डायरेक्टर से मिलवाता हूँ, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। और दूसरे ही दिन उन्होंने पीएल संतोषी से देव साहब को मिलवाया। एक ऑडिशन के बाद देव आनंद को ये फिल्म मिल गई और ये फिल्म थी हम एक हैं। इस तरह देव आनंद को पहली फिल्म मिली।
इस फिल्म के लिए देव साहब को 400 रुपए महीना मिलना तय हुआ। देव साहब ने इस फिल्म से मिलने वाले पैसों से सबसे पहले मुंबई में अपना घर खरीदा। हम एक हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देव साहब की मुलाकात अपने ही हम उम्र एक लड़के से हुई और बाद में यह मुलाकात गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। इसी दौरान इन दोनों में ये तय हुआ कि जीवन में अगर हम सफल हुए तो जरूर एक दूसरे के लिए काम करेंगे, चाहे वो डायरेक्शन का काम हो या फिर एक्टिंग का। और हुआ भी यही, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ डायरेक्टर और एक्टर के तौर पे साथ काम किया। गुरु दत्त, जी हाँ, गुरु दत्त ने अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्मों में देव आनंद को कास्ट किया और देव आनंद ने अपने प्रोडक्शन नव केतन में एज अ डायरेक्टर गुरु दत्त को साइन किया था। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद देव साहब एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो फिल्मों की तलाश में घूम रहे थे, पर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। ये वक्त देव साहब के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में देव साहब की मदद के लिए कौन आगे आया और वो कौन सी फिल्म थी जिसने देव साहब की डूबती नैया पार लगाई, मैं फरहान आपको बताऊंगा इस नगमे के बाद। सुनते रहिए प्रोग्राम पर्दे के पीछे, ओनली ऑन FM 107। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। फरहान के साथ हम बात कर रहे हैं देव साहब की। देव साहब मतलब देवानंद। जब देव साहब की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं, तब कोई भी देव साहब को काम नहीं दे रहा था। तब दादा मुनि यानी अशोक कुमार उनकी मदद के लिए आगे आए। अशोक कुमार ने कहा कि मैं तुम्हें फिल्म दिलवाऊंगा, और वो देव आनंद का हाथ पकड़कर बॉम्बे टॉकीज ले गए और उनको एक फिल्म दिलवाई जिसका नाम था जिद्दी। इस फिल्म ने रिलीज होते ही देव आनंद की किस्मत बदल दी। ये फिल्म देव साहब की जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुई और फिल्म जिद्दी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। जिद्दी फिल्म के बाद देव आनंद ने 1949 में अपनी खुद की फिल्म कंपनी यानी कि अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। इस प्रोडक्शन हाउस का नाम था नवकेतन फिल्म्स। नवकेतन फिल्म्स देव आनंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ शुरू किया। जब ये प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ तो 35 फिल्मों की लंबी पारी खेल कर ही इसने दम लिया। यानी कि देव आनंद जी के इंतकाल के बाद ही ये फिल्म कंपनी बंद हुई और इस प्रोडक्शन हाउस की आखिरी फिल्म थी चार्जशीट। देव आनंद ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था, तो वो लोगों की परेशानियां भी समझते थे, इसलिए वो एक हेल्पिंग नेचर के आदमी थे। वो अक्सर लोगों की मदद भी किया करते थे। एक बार जब बलराज साहनी देव आनंद के पास काम मांगने आए तो देव आनंद ने बलराज साहनी का हुनर पहचान कर उन्हें अपनी फिल्म बाजी के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का काम दे दिया और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था देव आनंद के दोस्त गुरु दत्त ने। नवकेतन में गुरु दत्त को ये काम अपने फिल्मी स्ट्रगल के दौरान देव के अपने दोस्त को किए गए वादे के तहत मिला। नवकेतन में बनने वाली ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। 1958 में नवकेतन की फिल्म काला पानी आई और ये एक सुपर हिट फिल्म रही। काला पानी देव आनंद की यादगार फिल्म बन गई। इस फिल्म के लिए देव आनंद को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। देव आनंद की काला पानी फिल्म हिट हुई तो उनका क्रेज ऐसा था कि लड़कियां उनकी दीवानी हो गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनसे कहा गया कि आप ब्लैक सूट पैंट नहीं पहनेंगे, ब्लैक कपड़े पहनकर आप पब्लिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी दीवानगी का आलम ये था कि लड़कियां उन्हें काले कपड़ों में देखकर मदहोशी में छतों से कूद जाती थीं। देव आनंद साहब ने अपने करियर में हर कैरेक्टर किए, ट्रेजेडी भी की, रोमांस भी किया और कभी कॉमेडी भी की। पॉकेट मार 1956 में, काला पानी 1958 में, बंबई का बाबू 1960 में रिलीज हुई। ये सब वो फिल्में हैं जो जबरदस्त हिट हुई। देव आनंद ने नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए, जैसे फिल्म जाल में इनका स्मगलर का कैरेक्टर भुलाए नहीं भूलता। इसके बाद ये काला बाजार में भी स्मगलर के कैरेक्टर में दिखाई दिए। देव साहब की कुछ हिट और सुपर हिट फिल्में हैं जैसे बाजी, टैक्सी ड्राइवर, मुनीम जी, इंसानियत, CID, पेइंग गेस्ट, काला पानी, हम दोनों, असली नकली, गाइड, जुअल थीफ, प्रेम पुजारी,
हरे रामा हरे कृष्णा और हीरा पन्ना जैसी सुपर हिट फिल्में हैं। प्रोग्राम पर्दे के पीछे फरहान के साथ देवानंद ने अपने कई इंटरव्यूज में और अपनी जीवनी में बहुत बार सुरैया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि देवानंद सारी उम्र सुरैया से मोहब्बत करते रहे और देखने वाली बात ये भी है कि सुरैया ने कभी किसी को चाहा तो वो देवानंद थे, इसीलिए उन्होंने भी सारी उम्र शादी नहीं की और अकेले जिंदगी गुजारते हुए सुरैया 31 जनवरी 2004 में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। जिंदगी के बढ़ते हुए सफर में गम को भुलाने की और एक सहारे की जरूरत थी जो उनका दर्द समझ सके, तो देवानंद को एक बार फिर प्यार हुआ। इस बार उन्हें प्यार हुआ मशहूर अदाकारा कल्पना कार्तिक से और इस प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देवानंद ने जल्द से जल्द शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये शादी की तो बिल्कुल सादा ढंग से, यानी कि फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर ही शादी कर ली और सेट पर किसी को मालूम भी नहीं था कि फिल्म के सेट पर ही देवानंद और कल्पना कार्तिक ने शादी कर ली है। उन्होंने पहले से ही शूट पर रजिस्ट्रार को बुला लिया था जो वेट करता रहा। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ दोनों रजिस्ट्रार को साइड में ले गए और देवानंद ने कल्पना कार्तिक को अंगूठी पहना दी। इन दोनों ने साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी गुजारी और दो बच्चों को भी जन्म दिया। इसके अलावा देवानंद साहब को एक बार और प्यार हुआ। ये बात है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की। यहाँ जीना दमान के साथ काम करते हुए देवानंद को जीनत अमान से प्यार हो गया। जब देवानंद ने जीनत से अपने प्यार का इजहार किया तब जीनत ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। ये दिल न होता बेचारा और हाउस कहा जाता है और उन्होंने एक्टिव रहते हुए मरते दम तक फिल्में बनाई। 85 साल के पार होने के बाद भी वो अपने आप को यंग देव कहलाना पसंद करते थे। उनकी बनाई हुई आखिरी फिल्म 2011 में आई जिसका नाम था चाची। स्टाइल आइकॉन और अपने खास अंदाज से मकबूल हुए देवानंद का इंतकाल लंदन में 3 दिसंबर 2011 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ और इस तरह हमसे एक जिंदा दिल इंसान और एक सुपरस्टार हमेशा